किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर। बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदर की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी है, बहुत कष्टमय जीवन, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है और तू ना संभालेगा तो संभालेगा। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के जमाने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर, हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बना, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना, एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है, कर्जा हो गया ना चुक जाए, दुख आ गया ना कट जाए। कर्जा भी हो गया तो कटेगा मिटेगा, मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा, ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाए। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को, अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा, आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है बाबा ए, उसके सहारे जियो ना, हम क्यों संसार वालों के सहारे। एक तमिलनाडु में नंदनार नाम का एक मजदूर रहता था जिसको बधुआ मजदूर कहते हैं। बधुआ मजदूर मतलब किसी के यहां, किसी सेठ के यहां, किसी धनपति के यहां किसी को बेच दिया जाता है, यहां से तुम्हारा नौकर है, नंदनार को उसके घर वालों ने उसको दे दिया, सेठ जी ये तुम्हारा, अब तुम जानो, पैसे ले लिए, नंदनार उनके यहाँ काम करने लगा। नंदनार खेती का काम करता, मजदूरी करता,
बहुत दिन बार उससे काम करवाते हो, पैसा में खरीदा है तो फिर तो काम करवाएंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं, लड़का लड़की की शादी करो तो पैसे से मत करो कि साहब हमने 10 लाख रुपए लूंगा, एक गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब देना पड़ेगा, तब मैं लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करूंगा। मतलब तुम लड़के को बेच दिए हो, अब लड़के को तुमने अगर ससुराल वाले को बेच दिया है तो ससुराल वाले, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा छोरा है, तुम्हारा बेटा है। तुमने एक गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक इतना सोना, चैन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, इसके चक्कर में तुमने अपने लड़के को, लड़की वालों को दे दिया। अब तुम ये छोड़ दो कि लड़का तुम्हारा है, अब तुमको पापा जी भले तले पर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सम्मान वो अपने ससुर का करेगा, क्योंकि 10 लाख की गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक दो जोड़ कपड़े में तुमने बेच दिया। अब बेच दिया तो वो आदर उनका करेगा, आपको बोलेगा पापा, उनको बोलेगा पापा जी, आपको बोलेगा मम्मी, उनको बोलेगा मम्मी जी, बोलना पड़ेगा क्योंकि जगदम्बा वहीं खड़ी है, नहीं बोलेगा तो ये चंद्र घंटा घंटा बजा दे। बोलना पड़ेगा, खरीदा है। घर में बहू लेकर आना, कार वाली कभी मत लाना, संस्कार वाली लेकर आ जाना। कार वाली बहू मत लाना बाबा, संस्कार वाली लेकर आना। जब संस्कार वाली बहू हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। विद्वत ब्राह्मण जन, भूदेवता, पृथ्वी के देव ब्राह्मण जन जब किसी लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो वो यही देखते हैं कि संस्कारवान लड़की इनके घर में प्रवेश करे। भूदेव यही चाहते, ब्राह्मण यही पूजन पाठ के माध्यम से आपको वर प्रदान करते हैं, ब्राह्मण देवता आपको ये वर देने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव, प्रतिष्ठा सब बनी रहे। ये भूदेव का एक आनंद है, ये ब्राह्मण देव का एक आनंद है। अब नंदनार काम कर रहे हैं, पर नंदनार के हृदय में एक बड़ा बड़ा भाव था। नंदनार जिस सेठ जी क्या काम करते थे, उस गांव से 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगुर नाम का एक शिव मंदिर है तमिलनाडु में, तिरुपुंगुर 25 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। नंदनार शिव की भक्ति में लम्बे रमे रहते थे, खेती करते, काम करते, डलिया धोते, सेठ भी ऐसा कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटा उसको आराम करने देता, बाकी का 20 घंटा उसको रधेड़े रखता, काम करवा कर। वो भी बेचारा मजदूर था, बधुआ था, बंधा हुआ था, करता। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत, धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया, शिव जी क्रोध के देवता है, रुद्र देवता है, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है, उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं तब मेरे महादेव को क्रोध आता है, हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, और कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली माँ को हर कभी क्रोध नहीं आता है, घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता,
जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में, जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर जाता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे, जब हृदय में यह विचार है। अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं, शंकर भगवान का, कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे। हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया इनने व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेनी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिव जी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, तो पूरा ही चढ़ गया, पूरा चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या, कितनी कृपा है उसकी, दया उसकी, करुणा कितनी विचित्र। हो जाता है कभी कभी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा? तो वो एक एक लाइन गुनगुनाते ना, ओ पालन हारे निर्गुण ज्ञाने तेरे बिना हम सोई, ओ पालन हारे निर्गुण ज्ञाने तुमरे बिना मेरा कोई नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोनो नहीं, तुम्हारे बिना हमारा ओ पालन हारे निर्गुण ज्ञाने तुम्हारे बिना हमारी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिना मेरा कौन है तेरे से? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू? एक पत्र आया है, देखिए बड़ा भाव से किसी ने लिखा, बड़ा